है गाड़ी, ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। कुछ कुछ गाड़ी में चल जा रहा आराम से, कुछ कुछ गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेट्स सी, आगे थोड़ा सा ही बस बचा हुआ है। वो मंदिर दिख रहा है उसके उस पार है लेक। भाई साहब बहुत गाड़ी अच्छा चला रहा है, एक ही बार में सीधा ऊपर। हाँ वही कोशिश करते हैं, डायरेक्ट कहीं नहीं रुकना है, इस बार चैलेंज लेना ही है, डायरेक्ट ऊपर। जय बजरंगबली, पूरा फास्ट फुल स्पीड से। देखो आगे वाला गाड़ी लेडीज को लेके चल दिए और हम थोड़ा रेंज रेंज नहीं जा पा रहे हैं, पर शर्म की बात है। फुल 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 भी का तो जाएगा जाएगा जाएगा, हमें गाड़ी नहीं रुकना चाहिए। फाइनली गाइस, फाइनली भाई क्या चलाया यार आपने, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया। भाई बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा। ये है गुरुदंगमल लेक अपना। गाइस अभी गुरुदंगमल लेक पर हूँ और यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो करीब 17,800 फीट ऐसा कुछ है। और ऑसम भी है, ऑसम मतलब लाजवाब। वो उस तरफ पहाड़ बर्फ से घिरा हुआ, और एक मज़े की बात ये है कि एक तरफ फ्रोजन किया हुआ है और एक तरफ लेक का पानी। तो जहाँ तक मैंने सुना इसका कहानी कुछ ऐसा है, लोकल्स कहते हैं कि बरसों पहले यहाँ पे कोई जो बुद्धिस्ट कोई गुरु आए थे, तो यहाँ के लोकल्स कह रहे थे कि ये पूरा फ्रोजन हुआ करता था उस टाइम जो अभी यहाँ पे लोकल्स रहते थे। तो वहाँ के लोकल्स कहते थे कि गुरुजन को कि एक लेक का पानी थोड़ा सा मतलब पानी का पानी ही रहे, ताकि उनका जीवन यापन या फिर उनका काम के लिए हो। तो कोई धर्म गुरु आया था बुद्धिस्ट का, और यहाँ के लोकल्स उनको कह रहे थे कि ये जो लेक है ये उनके लिए काम आ जाए, तो थोड़ा सा उनका हेल्प हो जाए, उनको साल भर पानी की दिक्कत ना हो। तो गुरु ने कुछ ऐसे चमत्कार किया था, तो कुछ ये लेक एक मानो तो मानो ना मानो तो ना मानो वही वाली बात हो, आधा फ्रोजन किया हुआ है आधा लेक पानी है। सोचो पूरा ये पूरा वैली में ठंड तो बहुत है, ये आधा लेक ही क्यों फ्रोजन है, बाकी का उस तरफ का लेक क्यों पानी है, एक मिस्टरीज है। तो एक अनोनी कहानी बनी हुई है, लोकल्स कहते हैं यहाँ का, सो एक अलग ही तरीके की मिस्टरीज है। अभी सोचता हूँ थोड़ा सा नीचे जाऊँ, मेरे को जो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बट जिसको सांस की तकलीफ है ऐसे एल्टीट्यूड पे आने के बाद थोड़ा सा वो भी केयरफुल रहे, नहीं तो उनको सांस की तकलीफ हो सकती है। Thank you.
अब नहीं रुका जा रहा यहाँ पे, पवेलियन, बैक टू पवेलियन। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। कोशिश करेंगे कि अगर आपको आए तो वो जो मंदिर दिख रहा है, मंदिर के उस साइड बैक साइड में बैठने वाली जगह है, वहाँ पे जाके बैठ सकते हो। वहाँ पे हवा बिल्कुल भी नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है, तो वहाँ पे जाके आप चिल कर सकते हो। बट कोशिश यही करना कि जितना जल्दी वहाँ से आप निकलो, क्योंकि यहाँ का एक्लोमेटाइज बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। मन तो करता है और रुकने का यहाँ पे, मुझे तो कोई ऐसे प्रॉब्लम हो नहीं रही है, बट क्या करें, साथ में और भी लोग हैं, जाना पड़ेगा। मेरी गाड़ी तो वहीं पे चेक पोस्ट पे मैं रख के आया हूँ। अरे बाप रे, बातें करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है यहाँ पे तो। चलो